काली फिल्म पर हुए इस पूरे विवाद में अब तक क्या कुछ हुआ है, ये जरा आप विस्तार से जान लीजिए किस तरीके से ये पूरा मामला जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये आपको बताते हैं, काली पर कोहराम, 2 जुलाई से इसकी शुरुआत होती है। लीना जो प्रोड्यूसर हैं फिल्म की, उनको लेकर सवाल उठाए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के पोस्टर को लेकर भारत में नाराजगी, पोस्टर जब सामने आया उसी के बाद से विवाद तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ में लीना के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है 4 जुलाई को। टोरंटो में भारतीय दूतावास ने आयोजकों से इस पूरे मामले को लेकर आपत्ति जताई। दिल्ली, गोंडा, लखीमपुर खीरी में भी लीना पर FIR दर्ज हुई। TMC सांसद महुआ मोइत्रा की काली पर विवादित टिप्पणी जब सामने आती है तो TMC जो है वो अपनी ही सांसद महुआ मोइत्रा के बयान से पल्ला झाड़ लेती है। ट्विटर ने काली फिल्म का पोस्टर हटा दिया है, ये अपडेट आपको बता देते हैं। फिल्म फेस्टिवल के आयोजकों ने भी इस पोस्टर को लेकर खेद जता दिया है। और इस सबके बीच भोपाल में महुआ मोइत्रा के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, ब्रिजेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ब्रिजेश, कुछ जानकारी मिल रही है कब तक महुआ मोइत्रा जो है उनसे मध्य प्रदेश पुलिस इस मामले को लेकर पूछताछ कर सकती है, कब तक उन्हें बुलाया जा सकता है, कुछ जानकारी? देखिए, हमारे सूत्रों का यही कहना है कि आज मुख्यमंत्री के कहने पर FIR दर्ज हुई है। FIR की प्रारंभिक कार्यवाही पूरी की जा रही है और धार्मिक भावना भड़काने की धाराएं लगाई गई हैं और इसके बाद उनको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देकर उनको उनसे जवाब मांगा जाएगा, उनको भोपाल बुलाया जाएगा। यदि उस नोटिस का जवाब नहीं देती हैं, वो भोपाल नहीं आती हैं, जाँच में सहयोग नहीं करती हैं, तो भोपाल की जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो उनके पास जाएगी कलकत्ता में, या जहाँ उनका रेजिडेंस का जो पता इस पर दिया गया वहाँ जाएगी और उनसे सवाल जवाब करेगी, जरूरत पड़ेगी तो गिरफ्तारी भी करेगी। यानी कि भोपाल पुलिस इस मामले में बेहद सतर्क है और बेहद इस मामले को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कहने पर ही यह मामला दर्ज किया गया है। इसलिए मुख्यमंत्री का बयान आते ही तुरंत जो क्राइम ब्रांच थाना है उसने FIR दर्ज कर लिया। जो जरूरी चीज़ें हैं तहकीकात की वो सारी चीज़ें की जा रही हैं। आने वाले 1-2 दिन में उनको नोटिस दिया जाएगा, बुलाया जाएगा। यदि वो नहीं आती हैं तो फिर उनके निवास दिल्ली या कलकत्ता जाके उनको उनसे पूछताछ की जाएगी और होगा संभव होगा तो गिरफ्तारी भी की जाएगी। कुल मिला के आने वाले दिनों में महुआ मोहत्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी और भोपाल पुलिस उसमें से एक होगी। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। इस सबके बीच दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, उन्होंने महुआ मोइत्रा के बयान को शर्मनाक बताया। महुआ के साथ साथ TMC को भी उन्होंने निशाने पर लिया, कहा यही TMC की दरअसल संस्कृति है जो महुआ मोइत्रा के बयान से सामने आ गई। TMC सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर विवाद है। दरअसल महुआ मोइत्रा ने एक चैनल के कॉन्क्लेव में ये बयान दिया कि माँ काली के रूप सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, उनके लिए माँ काली की तस्वीर ऐसी है जिसमें वो अल्कोहल लेती हैं, जिसमें वो मांस और मदिरा का सेवन करती हैं। हालांकि उनके बयान के बाद विवाद छिड़ गया है, इस पर पहली प्रतिक्रिया आपके जानना चाहूंगी। मतलब मुझे लगता है कि जो भी सुना होगा इस बयान को न, वो ये बहुत शर्मनाक बयान है TMC सांसद का, और ये बयान उनकी मानसिकता बता रहा है। ये तो सुनकर के कितनी वेदना हो रही है, आप कह रहे हो तो सुन के वेदना हो रही है। महुआ मित्रा की नहीं बल्कि उनकी जो संस्कृति है ना, जो TMC का, उसमें वो लोग हमारे हिंदू देवी देवताओं को ऐसे ही परिभाषित करने में लगे हुए हैं कि जिसने ऐसा काली माता का पोस्टर बनाया है, फिल्म बनाया है, उसको मैं कड़ी सजा का पैरवी करता हूं। आप कर रहे हो कि नहीं? हमारे देश में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, हम किसी भी धर्म के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये भी जो भी जिन्होंने काली माता का ये सब फिल्म पोस्टर बनाया है, इनको कड़ी से कड़ी सजा हो, ये हमारी मांग है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता हैं राम कदम, उन्होंने काली फिल्म को लेकर जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, इसे फिल्म के लिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का महज एक हथकंडा करार दिया है। राम कदम ने फिल्म को बैन करने की मांग की है। फिल्म जगत के लोगों से ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए जानबूझकर के हिंदू देवी देवताओं का अवमान लगातार किया जा रहा है। महाकाली के पोस्टर में भी यही हुआ है और इसके पश्चात माफी मांगना, कई जगहों पर FIR दर्ज होना, केवल इससे काम नहीं चलेगा। हमने माननीय मंत्री महोदय जिसे मांग की है
कि अब देश में इसके विरोध में कड़ा कानून बने। फिल्मों की धार से टेररिज्म और रेडिकलिज्म पर वार होना चाहिए, ना कि उसके प्रोटेक्शन और प्रमोशन का काम होना चाहिए। जो भी फिल्में हैं, फिल्मों की धार आतंकवाद पर, कट्टरवाद पर मार करे, ना कि आतंकवाद और कट्टरवाद का उद्धार करे। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इस तरह की चीज़ों से समाज में बिखराव, टकराव, किसी भी तरह का जो है वो कन्फ्यूज़न, मुझे लगता है समाज के लिए भी ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं, और जो लोग ये कर रहे हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए। तो इस विवाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। वीएचपी के प्रवक्ता हैं विनोद बंसल, वो किस तरीके से एतराज जता रहे हैं ये भी सुनिए। जहां मां काली का घोर अपमान किया जाता है, हमारे आराध्य देवों का, हमारे धर्म ग्रंथों का, पूज्य संतों का अपमान करना ही आजकल ऐसा लगता है कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बन गई है। किसी और संप्रदाय के आराध्य देवों का उन्होंने ऐसे कुछ किया होता, मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को भी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी, और कनाडा की सरकार को, भारत सरकार को भी इस बारे में अविलंब कठोरतम कदम उठाने चाहिए। और ऐसे सब न सिर्फ फिल्मों को बैन करना चाहिए, बल्कि ऐसे विदूषित मानसिकता के लोगों को भी अविलंब अरेस्ट करके इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। और उधर अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने काली फिल्म पर कड़ा एतराज जताया है, लेकिन डायरेक्टर लीना मणिकपेकले को धमकी भी दी है और विवादित बातें भी कही हैं उन्होंने। फिल्म निर्माता हैं लीना, जिनके द्वारा बनाई गई पिक्चर सनातन धर्म संस्कृति और हमारी हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाए जाना बहुत ही निंदनीय है। इसके नाते मैं देश के गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस पिक्चर के ऊपर बैन लगाया जाए। और सनातन धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाओगे, क्या चाहते हो, तुम्हारे भी ये इच्छा है क्या आपकी? ऐसा नहीं चलेगा। और आइए सीधे रुख करते हैं, इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं, ब्रजेश भी और मनोज्ञा लोहीवाल भी। सीधे कोलकाता लेकर चलते हैं आपको और मनोज्ञा से जानते हैं कि इस वक्त किस तरीके से आपत्ति बीजेपी की तरफ से दर्ज कराई जा रही है। मनोज्ञा जी, बिल्कुल, बीजेपी ने तो अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज भले उन्होंने कोर्ट की परमिशन के साथ सड़कों पर प्रोसेशंस निकाल रहे हों और ये जुलूस निकल रहा है आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर, तो वहीं दूसरी ओर कोर्ट की दुहाई देकर अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जब कोर्ट ने इतनी बार इतनी चीज़ों का संज्ञान ले लिया, जिसमें से नुपुर शर्मा और बाकी सारे विवादित बयान भी हैं, तो फिर आखिरकार महुआ मोइत्रा के विवादित बयान क्यों नहीं इसमें शामिल हो रहे हैं? इसमें आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर पार्टी खुद विचार कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तूल जरूर पकड़ लिया इस पूरे मुद्दे ने, ध्यान में रखते हुए कि मां काली के उपासक आपको पूरे पश्चिम बंगाल में हर जगह पर मिल जाएंगे। देवी बंग देशे तू सुंदरी ये कहा जाता है, क्योंकि बंगाल में देवी का पूजन अर्चन जितना होता है, जिस तरह से होता है, दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्यौहार जहां पर चार दिन तक महिलाएं न खाना बनाती हैं न कुछ, और पूरे पंडाल में पूजन अर्चन होता है, लेकिन अब उसी के आधार पर राजनीति भी तूल पकड़ रही है, क्योंकि राजनीति में बीजेपी बखूबी जानती है कि मां काली का ये वरदान क्या उनके पक्ष में काम कर जाएगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने भले ही पूरी तरह से खुद को दरकिनार कर लिया हो महुआ मोइत्रा के इस बयान से, लेकिन ये बयान अब विवादों में रहने वाला जरूर। वो बहुत दूर है, आपको पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।